श्री संजय राउत राज्यसभा के मेरे कलीग सामना के सभा अधिकारी सर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इससे ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कॉन्फ्रेंस डाली। बस हमने उनके कारण ये दोनों इश्यू हमने उनके कारण से ज़्यादा उनकी रिएक्शन हमें रुचि नहीं। मैं इससे सोचता हूँ कि इसे सीरियसली वो सोचेंगे और कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। नहीं नहीं, सीधी बात से एक ही केस देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही मेकिंग सम स्टेटमेंट, बिकॉज समटाइम ही राइट, समटाइम ही क्रिटिसाइज। संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है केंद्र तो जवाबदार जिम्मेदार है सर इसको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी सेंट्रल एजेंसी ने ये कदम उठाया है? ये एक्शन सेंट्रल एजेंसी के, और जब सेंट्रल एजेंसी इस तरह से कदम उठाती है, एक्शन लेती है, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी।